नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आज 29 अक्टूबर है और आज की क्लास में हम 29 अक्टूबर से रिलेटेड जो भी न्यूज है, जो भी इवेंट्स हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें के करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेशन शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली सुबह इसी टाइम आप लोगों से करंट अफेयर्स की क्लास में मिलूंगी। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले आप लोगों को हुई असुविधा के कारण मैं आप लोगों से माफी मांगती हूं। जैसा कि वॉयस को लेकर के लगातार इश्यू आ रहा है, आवाज को लेकर के, तो उसपे मैं लगातार जो है हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा जो भी कुछ टेक्निकल इश्यू है उसको जल्दी से ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन आप लोग क्लास को रेगुलर देखिए, ठीक है। जो कंटेंट आपको मिल रहा है उसकी पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं उसको जल्दी से ठीक कर ली जाएगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आज की क्लास में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के तहत शत प्रतिशत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 100% जो है घरेलू जल कनेक्शन वाला राज्य बन गया है। यानी कि ये पूछा है कि अभी हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा राज्य है जहां से जल जीवन मिशन के तहत नल से जल की आपूर्ति जो है वो पूरी तरीके जो नल से जल की आपूर्ति की जा रही है और हर घरों में ये सुविधा मिल गई है, यानी कि शत प्रतिशत घरेलू जल कनेक्शन वाला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर गोवा। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात, ठीक है। देखिए, हाल फिलहाल में गोवा इसके पहले हो चुका है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कुछ दिन में ही ये चीज हुई है, शत प्रतिशत घरेलू कनेक्शन वाला राज्य बना है ये गुजरात। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो गुजरात को देखा जाए दोस्तों, जो एक मिशन चलाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, कि हर घरों में जो स्वच्छ जल की आपूर्ति हो नल के माध्यम से, और ऐसे जो है इसी को ध्यान में रखते हुए गोवा, यहाँ पे गुजरात में देखा जाए 100% घरों में नल से पानी की आपूर्ति करने वाला राज्य गुजरात बन गया है। गुजरात में देखा जाए हर घर, गुजरात का जो हर घर है वो क्या है, हर घर, गुजरात को हर घर जल घोषित किया गया है। और यहाँ पे जो प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र है, उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी सारे घर हैं, उन सभी घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे इस मिशन का भी ये देखा जाए बेसिकली, जो अगर हम उद्देश्य देखें कि किस लिए जो है जल जीवन मिशन शुरू किया गया था, उसका उद्देश्य यही था। इसके पहले देखा जाए बड़े राज्यों में देखा जाए तो हरियाणा जो है और तेलंगाना जो है वो हर घर में नल से जल की सुविधा देने वाला राज्य बन चुका था। यानी कि जल जीवन मिशन के तहत ये पहले जो है राज्य घोषित किए जा चुके हैं, ठीक है। अगर वही बात करें, सबसे पहला जो देश में जो कौन सा राज्य था जो सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया था, तो ये देखा जाए ये गोवा था। ध्यान रखिएगा, गोवा जो है ये सभी ग्रामीण घरों में या ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है, ठीक है। और बड़े राज्य में हरियाणा और तेलंगाना है, ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत। अगर हम बात करते हैं जल जीवन मिशन की, ठीक है, ये मिशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मिशन की शुरुआत देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, यानी कि 15 अगस्त 2019 में इस मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन के अगर उद्देश्य को देखा जाए दोस्तों, तो ये टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 तक सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक जितने भी घर हैं उन सभी घरों में पाइप के जरिए क्या किया जाए, पानी पहुंचाया जाए, यानी कि पाइप और नल की सुविधा होनी चाहिए और हर घर में नल की सुविधा हो और इस नल से जो है स्वच्छ जल की आपूर्ति हो, यही इस जल जीवन मिशन का उद्देश्य है, जिसे 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। अगर हम देखें कि केंद्र सरकार का यानी कि कौन सा मंत्रालय है जो इस मिशन को जो देखता है या जिसके अंतर्गत ये मिशन है, तो ये जल जीवन जो है ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है ये मिशन। इस मिशन का आदर्श वाक्य देखें कि कोई भी ना छूटे, यानी कि कोई भी घर ना छूटे, भारत का, पूरे देश का ऐसा कोई भी घर नहीं छूटे जहां पे नल से जल की सुविधा न हो, यही इस मिशन का उद्देश्य है। तो बिहार फिलहाल में गुजरात जो है शत प्रतिशत जल की आपूर्ति करने वाला नल के माध्यम से राज्य बना है जल जीवन मिशन के तहत। इसके पहले हरियाणा, तेलंगाना और गोवा, गोवा ध्यान रखिएगा पहला ऐसा राज्य है देश का जहां पे नल कनेक्शन प्रदान किया गया था सभी ग्रामीण परिवारों में। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि कृषि और वानिकी पर, आसियान कृषि और वानिकी पर आधारित, ध्यान रखिएगा, आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक का कौन सा संस्करण आभासी रूप से आयोजित किया गया। देखिए, अभी हाल फिलहाल में
आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक जो है आयोजित की गई है। किस पर आधारित थी? तो कृषि और वानिकी पर आधारित थी। पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा संस्करण जो है वो आयोजित किया गया, सातवां, पांचवां, छठवां या फिर आठवां। दोस्तों ध्यान रखिए, मैं आपसे बार बार कहती हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलिए। जब आप, अगर आपको आंसर आ रहा होगा और आप आंसर करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो काफी बढ़ेगा, और जिनको आंसर नहीं आ रहा है वो ध्यान से सेशन को देखें, जिससे कि उनका जो है करंट अफेयर्स काफी स्ट्रांग हो जाए। यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है सातवां। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सातवां संस्करण आयोजित किया गया है कृषि और वानिकी पर आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक का। आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं इस समय वर्तमान में कौन है दोस्तों? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि और वानिकी पर जो सातवां आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी उसका वर्चुअल माध्यम से इन्होंने सह अध्यक्षता किया है। इस बैठक में देखिए कई देशों के जो है कृषि मंत्रियों ने भाग लिया, जो कि आसियान देश के सदस्य थे, जिसमें से देखा जाए ब्रुनेई, दारुसलम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओपीडोआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इन सभी देशों के जो कृषि मंत्री थे इस बैठक में भाग लिए। वही हम बात करें इस बैठक के दौरान जो भारत और आसियान के बीच में जो एक संबंध है, ठीक है, इस संबंध की जो 30वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। ठीक है, 30 साल से जो है भारत और आसियान देशों के बीच में जो है संबंध साधारण किया जा रहा है। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से देखा जाए, आर्थिक रूप से देखा जाए, कई तरीके से जो है ये संबंध स्थापित किए गए, और यहाँ जो है 30वीं वर्षगांठ इसकी मनाई जा रही है। इस दौरान देखा जाए जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर ने, उन्होंने जितने भी आसियान देश है उनमें देखा जाए मोटे अनाज, जैसे कि बाजरा, बाजरा होता है मोटा अनाज होता है, और अगर हम देखें तो यहाँ पे बाजरा, रागी हो गया और कांगनी, ठीक है, कोदो, रावा, ये सब क्या है? ये सब मोटे अनाज है। तो मोटे अनाजों का उत्पादन करने के लिए, ठीक है, उसका प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग करने के लिए, उसका मूल्यवर्धन और खपत को बढ़ाने के लिए जो भारत प्रयास कर रहा है लगातार, उसी प्रयास को जो है आगे बढ़ाने का समर्थन या फिर उसका समर्थन करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बैठक के दौरान जो मंत्री आए थे विभिन्न देशों के, उनसे आग्रह किया है कि वो लोग इसका समर्थन करें, जो भारत जो है मोटे अनाज के को बढ़ावा देने के लिए या लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए जो प्रयास कर रहा है उस पर। अगर आप लोग को दोस्तों पता होगा, वर्ष 2018 की बात है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने एक प्रस्ताव पारित किया किस तरह कि एक वर्ष मनाना चाहिए मोटे अनाज का वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाना चाहिए, इंटरनेशनल मिलेट डे, और ध्यान रखिएगा इयर्स, और ये चीज जो है इस प्रस्ताव को वर्ष 2021 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया सर्वसम्मति से। और वर्ष 2023, ध्यान रखिएगा, भारत के नेतृत्व में वर्ष 2023 को क्या मनाया जाएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यानी कि मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। कौन नेतृत्व करेगा इसका? भारत करेगा। 70 से अधिक देशों में अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष मनाया जाएगा, और यही प्रयास है कि लोगों को मोटे अनाज के प्रति जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जिस तरीके से जो कृषि पे जो इसका प्रभाव पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन को, उस दौरान मोटे अनाज को बढ़ावा देना, लोगों के प्रति उसके जागरूक करना, ये भारत का प्रयास है। और इसीलिए वर्ष 2013 को, वर्ष माफ करिएगा 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष मनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस बैठक के दौरान देखा जाए नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्य सुरक्षा, पोषण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, डिजिटल खेती और आदि के क्षेत्र में आसियान के साथ भारत के सहयोग को बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त किया है। ठीक है, चूंकि हम आसियान की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आसियान का देखिए फुल फॉर्म क्या, फुल फॉर्म देखा जाए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, जितने भी दक्षिण पूर्व के जो देश हैं, टोटल 10 कंट्रीज हैं, उन्हीं का ये एक क्षेत्रीय संगठन है। आसियान की जो स्थापना दोस्तों की गई थी 1967 में किया गया था, किस घोषणा पत्र को? आसियान घोषणा पत्र, ध्यान रखिएगा, इसको बैंकॉक घोषणा पत्र भी कहा जाता है। बैंकॉक जो कि थाईलैंड की राजधानी, और वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी, इस कारण से इसको बैंकॉक घोषणा पत्र भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बैंकॉक घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो आसियान से संबंधित है। अगर हम देखें जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय जो है संस्थापक राष्ट्र कौन थे, यानी कि किन राष्ट्रों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो पांच राष्ट्र थे। देखिए कौन कौन से थे,
सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया, थाईलैंड। ध्यान रखिएगा संस्थापक राष्ट्रों के नाम आपसे एग्जाम में पूछा गया है। आगे चल करके इसमें पांच राष्ट्र और जुड़े, देखा जाए तो 1984 में ब्रुनेई, 1995 में वियतनाम, लाओस और म्यांमार 1997 में, कंबोडिया जो है 1999 में। ये पांच सदस्य जुड़े, तो टोटल जो है आसियान में वर्तमान में देखा जाए तो 10 सदस्य हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके सचिवालय की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आसियान का, तो इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है वहां इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों यहाँ पे आसियान दिवस भी मनाया जाता है, 8 अगस्त को आसियान दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका संस्थापक राष्ट्र, इसका हेडक्वार्टर दिवस, इसके जो राष्ट्र है, और ध्यान रखिएगा बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक डिक्लेरेशन अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। देखिए जल शक्ति मंत्रालय की ओर से एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, और इस ये प्रतियोगिता जल प्रतियोगिता थी, इसमें विजेता देखिए कौन बनी है, सुश्री अनामिका तिवारी, प्रिया तिवारी, अनीता सिंह या फिर नीलम उपाध्याय। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलिए। देखिए मैं देखती रहती हूँ सारे लोगों को, और देखिए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ठीक है। ये मेरे लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन रहता है, मैं काफी मोटिवेट होती हूँ, जितना ज्यादा आप हमारा सपोर्ट करते हैं उतना ही ज्यादा एक उत्साह सा बना रहता है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग का पूरा सपोर्ट मुझे मिलेगा। आते हैं अपने व्याख्या पर। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा एक जल प्रतियोगिता कराई गई, और उस जल प्रतियोगिता की जो विजेता बनी है वो है सुश्री अनामिका तिवारी, ठीक है, ध्यान रखिएगा अनामिका तिवारी। इस प्रतियोगिता का देखिए विषय क्या था, जल नायक अपनी कहानी साझा करें। तो जो भी जल संरक्षण के क्षेत्र में जिन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है, ठीक है, वो अपनी कहानी को साझा करें कि क्या क्या उन्होंने जो प्रयास किया वो सारी चीजें लोगों को बताए, ताकि लोग जागरूक हो सके। सुश्री अनामिका जी की बात किया जाए तो ये स्कूल से जुड़ी है, और ये लोगों को नाटक के माध्यम से छात्र जो है कई तरीके से जो है वो छात्रों को जल संरक्षण के बारे में क्या करती है, लोगों को जागरूक करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कई तरीके से लोगों को जल संरक्षण के संबंध में, जल की उपयोगिता के बारे में, जल के संबंधित जो जल के यानी कि जो समस्या इस वाटर बॉडी के सामने जो जो चुनौती खड़ी है और उसको किस तरीके से संरक्षित किया जाए, ये सारी चीजों के प्रति लोगों को इन्होंने जागरूक किया, जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया, जल प्रतियोगिता विजेता ये रही है, ठीक है, अनामिका तिवारी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार, ठीक है, ध्यान रखिएगा निर्यात बाजार बन गया, ठीक है, चीन को पछाड़ करके। तो देखा जाए ये जो देश है वो भारत में सबसे ज्यादा जो है, भारत सबसे ज्यादा इसको एक्सपोर्ट करने वाला देश बना है, ठीक है, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड या फिर रूस। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, नीदरलैंड जो है चीन को पछाड़ते हुए भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। आइए देख लेते हैं, तो ये यहाँ पे तो नीदरलैंड देखा जाए चीन और बांग्लादेश से आगे निकल गया, और इसी के साथ वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश के रूप में उभरा, ठीक है। अगर हम वित्त वर्ष 2012 की बात किया जाए, यानी कि वहां से अगर हम तुलना करें पिछले 10 वर्षों में देखा जाए, तो सिर्फ 10 निर्यात जो है स्थल की सूची में 2 स्थान ये ऊपर आया नीदरलैंड, ठीक है। वही बात करते हैं कि इस वित्त वर्ष में जो अगस्त तक 106% तक की वृद्धि के कारण एक साल पहले 7.5 बिलियन डॉलर तक की वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें टॉप एक्सपोर्टर यानी कि सबसे ज्यादा जो भारत है वो तो किसको एक्सपोर्ट का यहाँ पे करता है, तो ध्यान रखिएगा अमेरिका पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे संयुक्त अरब अमीरात है, और तीसरे स्थान पे दोस्तों कौन हो गया, नीदरलैंड हो गया है, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए कि चूंकि हम एक्सपोर्ट तो देख रहे हैं, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो नीदरलैंड हो गया इंडिया के लिए, आप ये बताइए इंडिया का जो इम्पोर्ट मार्केट है वो कौन सा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि भारत सबसे ज्यादा आयात जो है वो किस देश से करता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या दिया है, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड या फिर मिस्र। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मिस्र, यानी कि इजिप्ट में इस साल 2022 का
COP27 कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज का आयोजन किया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगले महीने यानी कि देखा जाए 6 से लेकर के 8 नवंबर के बीच कोप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, COP21 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान, COP21 नहीं है दोस्तों, ये COP27 है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, COP21 तो 2015 में हुआ था, जहां पे पेरिस समझौता हुआ था। ठीक है, COP27 का आयोजन किया जाएगा, कहां पे किया जा रहा है, तो मिस्र यानी कि इजिप्ट के शर्म अल शेख, ध्यान रखिएगा, ये नाम भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में ना नाम दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मिस्र सब याद करके जाएंगे, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट शर्म अल शेख होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अगले महीने इसका आयोजन किया जाएगा। ये पांचवी बार हो रहा है जब अफ्रीका के किसी देश में जो है पार्टीज का जो है सम्मेलन किया जा रहा है। ठीक है, इस वर्ष 2022 में COP27 जो हो रहा है वो देखिए किन किन क्षेत्रों पर आधारित होगा, उसकी विषय क्या होगी, या फिर किन क्षेत्रों पर जो है उसका ध्यान केंद्रित होगा। सबसे पहला देखा जाए उत्सर्जन में कमी, तो जलवायु परिवर्तन में जो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो उत्सर्जन हो रहा है विभिन्न गैसों का, कई तो उसके वजह से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उनमें उत्सर्जन लाने का प्रयास किया जाए, उनके उत्सर्जन में कमी लाने का प्रयास किया जाए। जलवायु परिवर्तन की तैयारी और जो जलवायु परिवर्तन की तैयारी हो रही है उससे जो देश निपटना जो चाह रहे उन देशों की मदद करना, और इतना ही नहीं, जो विकासशील देश है या फिर जो गरीब देश है वो इन जलवायु गतिविधियों से निपटने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उनको क्या है तकनीकी सहायता देना, उनको क्या है वित्तीय पोषण, ये सब जो है सहायता प्रदान करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य होगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात किया जाए तो ये क्या है, जो भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय लेने वाले ये शीर्ष जो है निकाय है, और ये संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC, ठीक है, उसके जो कुछ भी वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो कार्यान्वयन करती है उन सब को जो है ये निगरानी और समीक्षा करता है। कौन? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, चूंकि हम लोगों ने बात किया COP27 की, अगर हम बात करते हैं COP21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कब हुआ था, पहला फर्स्ट जो हुआ था वो हुआ था, पहली बैठक हुई थी बर्लिन, जो कि जर्मनी के बर्लिन में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1995 में हुई थी। अगर हम वही पिछले वर्ष की बात करें 21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो हुआ था 2021 में, वो देखिए कहाँ हुआ था, माफ करिएगा 2021 में वो हुआ था स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जो है आयोजित किया गया था। बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण निर्णय भारत की तरफ से लिए गए थे, वो सब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। COP26 जो हुआ था वो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, COP27 जो कि इस वर्ष अगले महीने होने जा रहा है वो कहाँ हो रहा है, मिस्र में होने जा रहा है। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति के विशेष बैठक शुरू की गई है, तो ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो आतंकवाद निरोधी समिति, उसकी एक विशेष बैठक शुरू की गई है, कहां पे, मुंबई में, गांधीनगर में, गुरुग्राम में या फिर बेंगलुरु में। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मुंबई। ठीक है, दो जगह पे किया जा रहा है, मुंबई और दिल्ली में। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो आतंकवादी निरोधी समिति है, जो आतंकवाद से निपटने के लिए जो ये समिति बनाई गई है, उसकी विशेष बैठक जो है वो की जा रही है, जिसकी शुरुआत 28 अक्टूबर से होगी, 28 और 29 अक्टूबर में होगा, जहां पे हम देख रहे हैं 28 अक्टूबर को मुंबई में, वही 29 अक्टूबर को दिल्ली में किया जाएगा। बात करें इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो इस बैठक की जो अध्यक्षता है, जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की भारत की जो अस्थाई प्रतिनिधि है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट नहीं है, रुचिरा कंबोज, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थाई प्रतिनिधि कौन है, तो रुचिरा कंबोज है, और इन्हीं के द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति की बैठक की जो विशेष बैठक है, जो कि मुंबई और दिल्ली में आयोजित की जा रही है, उसकी अध्यक्षता की जाएगी। ये बैठक दो दिनों तक चलेगी, 28 और 29 अक्टूबर, जिसमें 28 अक्टूबर को मुंबई में और जो है 29 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इस बैठक की थीम की बात किया जाए तो इस बैठक की थीम देखिए क्या है, आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग का मुकाबला करना। तो जो कुछ भी जो आतंकवाद, देखिए आतंकवाद वर्तमान में बहुत बड़ी चुनौती है, और आतंकवाद से निपटने के लिए हम पारंपरिक जो है तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें आधुनिक और नई प्रौद्योगिकी जो है उसी के द्वारा जो है
इस आतंकवाद जैसी चुनौती से निपटा जा सकता है। इन्हीं सब पे जो है ये बैठक जो है केंद्रित थी। अगर हम बात करते हैं यूएनएससी की, यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी की, तो इसकी जो स्थापना दोस्तों हुई थी वो वर्ष 2001 में हुई थी, और वर्ष 2001 में जो कि 22 साल हो गए इसकी स्थापना को, तब से जो है ये पहली बार है जब भारत में यूएनएससी सीटीसी की जो है पहली बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में देखिए क्या बातें किया जाएगा, जो भी कुछ जो है जो चर्चा का विषय है वो क्या है, जो मौजूदा यानी कि जो वर्तमान में जो खतरे मौजूद हैं और जो नए नए खतरे उभर रहे हैं, उन खतरों से किस तरीके से मुकाबला किया जाए। क्योंकि मैंने बताया नए खतरे जो है वो नए चुनौतियां जो है वो नए तरीकों से है, तो नए तरीके से निपटा भी जा सकता है नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से। तो इन खतरों से निपटने के लिए जो नई और जो उभरती प्रौद्योगिकी है उसकी किस तरीके से तैनाती की जाए, उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इन सारी बातों पर जो है इस बैठक में क्या किया गया दोस्तों, चर्चा किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये राज्यों के गृह मंत्री जितने भी राज्य है भारत के, उन सभी राज्यों के जो होम मिनिस्टर्स हैं उनका जो है चिंतन शिविर शुरू किया गया है, कहाँ पे, गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली में या फिर उत्तर प्रदेश में। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, हरियाणा में जो है राज्यों के जो गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर जो है वो शुरू किया गया। देखिए हरियाणा में जो सूरज कुंड है, सूरज कुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर शुरू किया गया है, और इस जो है चिंतन शिविर की जो अध्यक्षता की जाएगी वो जो है हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, ध्यान रखिएगा नया मंत्रालय बना है सहकारिता मंत्रालय, उसके जो मंत्री हैं वो अमित शाह हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जो है इस शिविर की अध्यक्षता कर रहे हैं, और इस शिविर में देखा जाए जितने भी जो इस चिंतन शिविर में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल है, जो प्रशासक है, वो सभी जो है भाग ले रहे हैं, यानी कि राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल है, जो प्रशासक है, वो सभी जो है इस शिविर में जो है क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और ये शिविर का आयोजन कहाँ किया गया, राज्यों के गृह मंत्रियों का, हरियाणा के सूरज कुंड में किया गया। चूंकि हम हरियाणा की बात करें तो थोड़ा हरियाणा के बारे में भी देख लेते हैं। हरियाणा की अगर देखा जाए तो ये उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी देखा जाए तो ये इसको आप देख सकते हैं। हरियाणा जो कि पूरी तरीके से देखिए राज्यों से घिरा हुआ है, जिसकी देखा जाए उत्तरी सीमा हमें हिमाचल प्रदेश से देखने को मिल रही है, फिर इसकी जो थोड़ी सी सीमा उत्तराखंड, और फिर देखा जाए यहाँ पे उत्तर प्रदेश से, और फिर महाराष्ट्र यहाँ पे राजस्थान से, और फिर यहाँ पंजाब से, महाराष्ट्र से माफ करिएगा, और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली से सीमा लग रही है। हरियाणा जिसकी राजधानी देखिए चंडीगढ़ है, देखिए पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। इसके जो वर्तमान जो राज्यपाल यानी कि गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय जो है इसके गवर्नर है, और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो मनोहर लाल खट्टर है। अगर हम संसदीय सीटों की बात करें तो लोकसभा की जो सीटें हैं हरियाणा की वो है 10 सीटें, वही राज्यसभा में जो है इसकी 5 सीटें हैं। कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण जो है करंट है जो अभी हाल फिलहाल में हमें सुनने को मिला था हरियाणा से संबंधित, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको भी हम देखते हैं। जैसे सबसे पहली बात करते हैं कि जो है हड़प्पा संस्कृति, जो भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात संस्कृति है, उसमें जो है हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम यानी कि संग्रहालय बनाया जाएगा, वो कहाँ पे बनाया जाएगा, राखीगढ़ी हरियाणा में। ध्यान रखिए राखीगढ़ी जो है वो भारत में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है, और यहीं पे जो है हरियाणा में जो है राखीगढ़ी में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है, किस संस्कृति पर, हड़प्पा संस्कृति पर। वही बात करते हैं माँ भगवती, ठीक है, माँ भगवती की सबसे प्राचीन मंदिर मिली जो कि कहाँ पे स्थित है, हरियाणा के भिवानी जिले के गांव देवसर में। ध्यान रखिएगा भिवानी जिला, ध्यान रखिएगा कहाँ पे, भिवानी जिले में है माँ भगवती का सबसे प्राचीन मंदिर। तो ये हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की गई है, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर केरल। तो देखिए महिलाओं के लिए जो है अनुकूल की जो महिलाएं जो पर्यटन पे जाती हैं उनके लिए एक अनुकूल वातावरण हो, इस चीज के लिए एक परियोजना शुरू की गई महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना किस राज्य में दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है केरल में, ठीक है, केरल राज्य में शुरू किया गया। केरल इस समय बहुत इस सारी चीजों में बहुत एक्टिव रहता है। तो जो केरल की सरकार है उन्होंने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए, ध्यान रखिएगा महिलाओं के अनुकूल, ठीक है, महिलाओं के अनुकूल
पर्यटन परियोजना शुरू किया है। इस पर्यटन परियोजना में देखिए क्या किया जाएगा, कुछ चयनित महिलाएं होंगी, कुछ महिलाओं को चुना जाएगा और उन महिलाओं को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी किससे संबंधित, जैसे कि उनको टूर कोऑर्डिनेटर की ट्रेनिंग दिया जाएगा, उन्हें कहानी का ताकि वो कहानी बताए जो हाँ जो उस राज्य की जो कल्चर्स हैं, जो उनकी संस्कृति रही है, उन सब चीजों के बारे में लोगों को बताए, जो बाहरी जो पर्यटक आ रही है महिला पर्यटक उनको उसके बारे में बताए, सामुदायिक लीडर ठीक है टूर लीडर, ऑटो टैक्सी ड्राइवर की ट्रेनिंग दिया जाए, गैस हैंडलिंग ठीक है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, होम जो स्टे ठीक है ऑपरेटर, इन सब से संबंधित जो उनको ट्रेनिंग दिया जाए ताकि जो महिलाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा इन सेक्टर्स में आ सके, काम कर सके, और जब महिलाएं काम कर रही होगी तो जो बाहर की जो पर्यटक महिलाएं उनको एक एक सुनिश्चित देखा जाए, एक सुरक्षित और स्वच्छ स्थल जो है मिलेगा उनको पर्यटन के लिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की गई किसके द्वारा, केरल सरकार के द्वारा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व ठीक है जो तराई एलिफेंट रिजर्व के निर्माण की मंजूरी दी है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए ठीक है, उत्तर प्रदेश जो राज्य है वहां पे तराई हाथी रिजर्व के निर्माण की मंजूरी दिया है केंद्र सरकार ने। आइए इसके बारे में देख लेते हैं, तो केंद्र का जो वन मंत्रालय यानी कि केंद्रीय वन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में हाथी रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है। ये जो हाथी रिजर्व देखिए कहाँ बनाया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश का जो तराई इलाका है और दुधवा टाइगर रिजर्व समेत पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिलाकर के बनाया जाएगा और यह पहला जो है तराई एलिफेंट रिजर्व होगा ठीक है। ये पूरा जो रिजर्व है वो देखा जाए 3049 वर्ग किलोमीटर में फैला रहेगा और इसमें देखिए कौन कौन से हिस्से शामिल होंगे, तो इस अभ्यारण्य में देखा जाए पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, दुधवा बफर जोन और दक्षिण खीरी वन विभाग का गोला मोहम्मद वनरेज, ये सारे जो है इससे इस टाइगर रिजर्व में शामिल होंगे जो कि कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, 3059 वर्ग किलो में फैला है। अगर हम बात करें देखिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में यानी कि इस वर्ष इन्होंने केंद्र सरकार ने तीन हाथी रिजर्व बनाने का निर्णय लिया था जिसकी मंजूरी इन्होंने दिया था, जिसमें से हमें अन्य दो हाथी रिजर्व एक तो हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, जो दो अन्य है वो कौन कौन से, तो एक आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में लेमुरू एलिफेंट रिजर्व ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में लेमुरू है और दूसरा जो है तमिलनाडु के अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व ठीक है, अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व ये चीज ध्यान रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में तीन हाथी रिजर्व बनाने के निर्माण को मंजूरी दी गई केंद्र सरकार के द्वारा ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी है। और आज का हम अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आज का हमारा सबसे अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में कहा मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। देखिए मैं भी सुभाष सुभाष चंद्र बोस जी के जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो उनका योगदान था उस योगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है, कहां से, भोपाल से, श्रीनगर से, लद्दाख से या फिर शिमला से। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी श्रीनगर से शुरू किया गया। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, तो देखा जाए लद्दाख की जो इस समय वर्तमान सांसद हैं जिनका नाम है जोमयांग शेरिंग ठीक है, जोमयांग शेरिंग नामग्याल, इनके द्वारा जो है ले ठीक है जो लद्दाख की राजधानी ले है वहां से मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का जो कार्यान्वयन किया जा रहा है मैं भी सुभाष अभियान का वो देखिए किसके द्वारा किया जा रहा है, तो संस्कृत मंत्रालय के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस INET ट्रस्ट के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। ये पूरे कार्यक्रम की एक श्रृंखला होगी, एक साथ चलेगा, इसकी शुरुआत ले से की जा रही है ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं इस कार्यक्रम का जो इस अभियान का उद्देश्य क्या है, जैसा कि हमने बताया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत को आजादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक करना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो योगदान दिया गया वो इस योगदान के बारे में लोगों को बताना, इसी को ध्यान में रखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करें 2023 यानी कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया जाता है और इसी दिन यानी कि 23 जनवरी 2023 को नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत होने जा रही है ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है ठीक है, किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 23 जनवरी। देखिए शमशेर जी काफी अच्छा आप आंसर करते हैं और भी लोग, आप लोग भी आंसर करिए। देखिए शमशेर जी से जितना भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ वो सारे आंसर बहुत अच्छे से करते हैं, इसी तरीके से करते रहिए। आई विश कि आपका जल्दी से सिलेक्शन हो और आप जल्दी से मुझे अपने सिलेक्शन के बारे में बताइए, बहुत अच्छा लगता है, आप काफी मेहनत करते हैं और आप सब लोग भी। देखिए वॉइस की तो जो इश्यू आ रही है उसके लिए मैं बार बार माफी मांग रही हूँ, लेकिन
और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। क्या आपको कंटेंट तो पीडीएफ में मिल रहा है, उसको भी थोड़ा पढ़िए। आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इस समय सिलेक्शन होना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बहुत मेहनत की जाती है चीजों के प्रति, आप लोग को ये सारी चीजें जो बनाने में भी काफी मेहनत होता है, जो बताया जाता है आपको, ठीक है। और मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि किस कौन कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पे जोड़ दी जाए, क्योंकि तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाए, ठीक है। मैं सारी चीजों को ध्यान में रखती हूँ, कभी कुछ चीजें छूट भी जाती है तो उसके लिए भी मैं अगले क्लास जो है लेक्चर में प्रयास करती हूँ कि वो भी चीजें आपको बताई जाए, ठीक है। मेहनत देखिए करना आपको है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको भी मेहनत करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठेंगे, प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है, सिलेक्शन आपको बच्चा लेना है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर प्रॉमिस करूंगी कि जो भी चीजें हैं, जो भी आपके कंटेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, कहीं से भी उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी पूरी कोशिश होगी, ठीक है। अब आते हैं आज के फैक्ट्स ऑफ द डे पे। दोस्तों, आज का पहला फैक्ट ऑफ द डे है कि 3 साल की अवधि के लिए आईसीआईसी बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया, तो संदीप बक्सी, ठीक है। संदीप बक्सी जो है वो एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, जो देश का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है आईसीआईसी बैंक के, ठीक है। इनको फिर से 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। भारतीय पुरुष और महिलाओं टीम के लिए समान वेतन की घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। ये जो महिला टीम है और जो भारतीय टीम है, उनको जो पुरुष टीम है, इन तीनों दोनों ही टीमों को जो है, सभी जो क्रिकेटर्स उनको समान वेतन दिया जाएगा, ये बहुत अच्छा निर्णय है, ठीक है। वही बात करें तो यहाँ पे 76वां पैदल सेना दिवस, ठीक है, इन्फेंट्री, भारतीय सेना ने 76वां पैदल सेना दिवस मनाया। कब मनाया? 27 अक्टूबर 2022 को मनाया। सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया, किस फिल्म को? आरआरआर को दिया गया। वही बात करें, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए, कौन चुने गए हैं? एके गोपाल, ठीक है। एके गोपाल जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन के आईबीए के नए अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के दौरान हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट चीजों को देखा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है क्लास के दौरान भी डिस्कस किया, और क्लास के दौरान ही मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस भी किए। उम्मीद है आप सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।